गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने 12th साहित्य में अपनी बुक चल रही है सरयू, और सरयू का अपना चैप्टर चल रहा है पाजेब। पाजेब चैप्टर अपन पढ़ रहे थे, इसमें आशुतोष और जो मुन्नू है उसके भाई, दो भाई बहन हैं, मुनिया की बुआ उसके बर्थडे पर उसके लिए पाजेब लेकर आती है और वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। पूरे दिन उसको पहनकर घर में घूमती है। शाम को जब उसकी अम्मा उसको कहती है कि उसको रख दे, तो वो रखने के लिए देखती है, तब एक पायल उसकी मिलती नहीं है। सारे जगह वो उसको ढूंढ लेते हैं, आशुतोष से उसके लिए पूछते हैं कि कहीं वो उसको उठाई हो, देखा हो। खूब उस पर दबाव डाला जाता है। उसकी अम्मा कहती है कि नौकर ने ली होगी, लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि नौकर ने नहीं ली। आशुतोष से पूछा जाता है, आशुतोष को जब दबाव डाला जाता है तो वो दबाव के मारे हाँ भर देता है। यही इस चैप्टर का भाव है कि जहाँ जिस चीज़ के लिए हम उसे प्रताड़ित करते हैं, लास्ट में बच्चों के मनोभावों को बताया गया है कि बच्चा उस चीज़ को नहीं जानते हुए भी, नहीं करते हुए भी उसके लिए हाँ कर देता है। तो उसी को अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि जब आशुतोष से पूछा जाता है, खूब बार बार में उससे पूछा जाता है, प्रेम से भी पूछा जाता है, तो वो उसके लिए कह देता है कि हाँ मैंने देखी थी। मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं कि बेटे ने सच मान लिया। फिर उसे पूछा जाता है, उसने पाजेब छुन्नू को दे दी, पाजेब उसने छुन्नू को दे दी है। ठीक है, अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। उसने उसको चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी भलाइयाँ लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कराया, उसको जब इतना प्रेम किया गया तो वो मुस्करा गया। अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी। वो उदासी ये थी कि वो जानता ही नहीं था, उसने पाजेब देखी नहीं थी, लेकिन फिर भी मम्मी जो पापा हैं उनके बार बार पूछने पर वो उस चीज़ को कबूल कर लेता है। यही उदासी उसके चेहरे पर बार बार दिखाई देती है। फिर उसके बाद उसे अलग ले जाकर बड़े प्रेम से पूछा कि पाजेब छुन्नू के पास है ना, जाओ मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रह गया। मैंने कहा जाओ बेटा ले आओ। उसके दोस्त के लिए उससे पूछा गया कि उसने उसको दे दी, तो वो उसे कहते हैं कि जाओ तुम उससे जाकर मांग लो। उसे बहुत कहा जाता है उसके लिए बार बार, लेकिन वो उनकी बात का कोई उत्तर नहीं देता। उसके मुंह से जवाब नहीं आया। मैंने आग्रह किया तो वह बोला छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। वो तो बच्चा है, उसको क्या पता। वो क्या आंसर देता है कि उसके पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। मैंने कहा कि तो जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। वो सुनकर चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा, पाजेब छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा तुमने कहाँ से उठाई थी, पड़ी मिली थी, और फिर नीचे जाकर वह तुमने छुन्नू को दिखाई थी। उसने कहा हाँ, जबकि ये कुछ भी नहीं हुआ था। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे। हाँ कहाँ बेचने को कहा, कहाँ मिठाई लाएंगे, नहीं पतंग लाएंगे। अच्छा पतंग को कहा, हाँ तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। तो उसी के पास होनी चाहिए, वह नहीं जाना चाहता था। फिर उसने फिर कहा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है छुन्नू के पास है क्या। लेकिन ये तो उसने अपने उस बार बार के जिद के कारण उसने कह दिया। अब पिताजी मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि तो कहीं तुमने गाड़ दिया, क्या किया, बोलते क्यों नहीं हो। वह मेरी ओर देखता रहा, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कुछ कहते क्यों नहीं हो। वह गुम सा रह गया और नहीं बोला। फिर मैंने डांट डपट कर कहा जाओ पाजेब लेकर आओ। वह अपनी जगह से नहीं उठा, नहीं गया। मैंने उसे कान पकड़ कर उठाया, कहा सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है। पिताजी अब धीरे धीरे बोलते बोलते एकदम उसको डांटने लग गए, लेकिन फिर भी उसका वही जवाब रहा। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे के बाहर निकल गया। निकल कर बरामदे के कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था, ये लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, यह मैं कुछ समझ नहीं सका। मैंने बाहर जाकर धीरे से कहा जाओ भाई, जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं हो।
पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और फिर जवाब दिया तो बार बार कहने लगा, छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। मैंने कहा जितने में उसे बेची होगी वही दाम दे देंगे, समझे? जाओ तुम कहो। छुन्नू की माँ ने कहा, उनका लड़का ऐसा नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। फिर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तैने दी थी ना? ये उसकी माँ से पूछा जाता है तो उसकी माँ कहती है कि उनका लड़का ऐसा नहीं है, जो छुन्नू है वो आशुतोष का फ्रेंड है और उसके पिताजी यही सोच रहे हैं कि उसने उसको दे दी। छुन्नू की माँ से पूछा जाता है तो उसकी माँ मना कर देती है कि हमारा बेटा ऐसा नहीं है। इस बात पर उनमें एकदम कहा सुनी हो जाती है। आशुतोष ने धीरे से कहा, हाँ दी थी। जब उसके सामने उसकी माँ के सामने आशुतोष से पूछते हैं तो वो हाँ भर देता है कि हाँ दी थी। दूसरी ओर छुन्नू बढ़कर आया और हाथ पटक कर बोला, मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांध कर कहा, दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा ये हुआ कि छुन्नू की माँ ने छुन्नू को खूब पिटा और रोने भी लगी। कहती जाती है कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, ये कुलक्षणी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल गई, पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी और स्त्रियों की घर में लौटकर कहा, छुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा, तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली, ऐसे कोई बात नहीं, भला कभी सुलझती है क्या? बोली कि हाँ मैं तेज बोलती हूँ, अब जाओ ना, तुम ही उनके पास से पाजेब निकाल कर लाते क्यों नहीं, तब जानूं जब पाजेब निकलवा दो। मैंने कहा, पाजेब से बढ़कर शांति है और अशांति से तो पाजेब नहीं मिल जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती भी नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद छुन्नू की माँ हमारे घर आई, श्रीमती उन्हें लाई थी, तब उनके बीच गर्मी नहीं, वो उसकी माँ को लेकर आई थी, अब वो गर्म नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ये आरोप लगने से उन्हें दुख तो हो ही रहा था। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा, छुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है, अब पाजेब कितने की थी मैं उसके दाम दे दूंगी। तो उसकी माँ आकर कहती है कि मेरा बेटा तो लेने से इनकार कर रहा है कि मैंने नहीं ली थी, लेकिन आप उसके पैसे बता दीजिए, मैं आपको उसके पैसे दे दूंगी। इस बात पर अब आशुतोष को अपने मन में खिंच भी आ रही है और वो गुमसुम भी है। गुमसुम वो क्यों है? क्योंकि उसे नहीं पता उसने ली थी या नहीं ली थी। वो इसी बात पर ज्यादा उदास है कि उसे पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हाँ भर दी। मैंने कहा, ये है आप क्या कह रही हैं, बच्चे बच्चे हैं, आपने छुन्नू से सहूलियत से पूछा भी है? उन्होंने उसी समय छुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया, कहा कि क्यों रे बता, बता क्यों नहीं देता जो तेने पाजेब देखी हो। छुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वह पतंग वाले को दे आया, मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी, ये सब बातें उनकी कल्पना की है। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, वह मुझसे कह रहा था तू भी चल पतंग लाएंगे, पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो। छुन्नू ने उसका आकार बताया जो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की ओर देखकर कहा, देखिए ना, पहले यही कहता था मैंने पाजेब देखी तब नहीं, और अब कहता है देखी थी। मैंने माँ ने मेरे सामने छुन्नू को खींच कर तभी धम्म धम्म पीटना शुरू कर दिया, कहा कि क्यों रे झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी ना उधेड़ी तो मैं नहीं। मैंने बीच बचाव करके छुन्नू को बचाया, वह शहीद की भांति पिटता रहा, रोया बिल्कुल भी नहीं और एक कोने में खड़े होकर आशुतोष को जाने किस भाव से देख रहा था। खैर, मैंने सबको छुट्टी दी, कहा कि जाओ बेटा छुन्नू खेल लो। उसकी माँ को भी कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं, पाजेब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। छुन्नू चला गया, तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हो? मैंने कहा, मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस पर छुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ, एक एक चीज़ देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ? मैंने कहा, छोड़िए भी, आपस में इन बातों से कोई मतलब नहीं, बेबात की बात बढ़ाने में क्या फ़ायदा। सो जो जो मैंने उन्हें दिलासा दिया, नहीं तो छुन्नू को पीट पीट कर हाल बेहाल कर डालने का प्रण तो वो ले ही रखी थी। उनके मन में ये था कि उनके बेटे ने लिया है तो वो कबूल कर लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कुलक्ष ने आज तुझे धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं,
खैर जिस तीस भांति बखेड़ा टला। मैं इस झंझट में भी दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह गया कि देखो आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ने। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी, आशुतोष ने सब कुछ बतला दिया है। 11 आने पैसे में वह पाजे पतंग वाले को दे दी, पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं, 5 आने तो दिए, वे छुन्नू के पास हैं। इस तरह रती रती बात उसने कह दी। अब ये बातें उन्होंने पूछ ली थी, लेकिन ये सब उसने उनसे पूछा और वो जैसे जैसे पूछ रहे थे वैसे वैसे वो हाँ भर रहा था। कहने लगी, मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर सब उसके पेट से निकाला है। 2-3 घंटे में मगज मारती रही, हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, अब 5 आने बेचकर पाजे मंगा लेंगे। लेकिन ये पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीज़ें ले लेता है, उसे पुलिस में दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है, उसने बताया बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा। मैंने कहा बंसी ही जाकर उसे बुला लाओ। बंसी गया, उसने आकर कहा कि वह अभी आते हैं। क्या कर रहा है? छुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे। उसने आकर बताया कि वो गिल्ली डंडा खेल रहे। थोड़ी देर में आशुतोष आया, मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया था और गोद में लेने पर वह विशेष खुश भी नहीं हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा, हमारे आशुतोष ने सब बातें अपने आप ही पूरी पूरी बता दी। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसमें कुछ हर्ष नहीं हुआ, उसको खुशी नहीं हुई। मैंने कहा, आओ चलो, अब क्या बात है? क्यों हजरत, तुमको 5 आने ही तो मिले हैं ना, हमने 5 आने मांग लेते तो क्या हम देते नहीं? सुना, अब ऐसा मत करना बेटा। वो उसको समझाते हैं कि तुमने 5 आने में वो पाजेब उसको दे दी, 5 आने ही तो मिले थे तुम्हें, अगर आइंदा से कभी कोई चीज़ चाहिए तो तुम ऐसा मत करना, हम तुम्हें दे देंगे। यानी ये बात गंदी होती है, ऐसे काम हमें नहीं करने चाहिए। उसके पापा ने उसको प्रेम से समझाया, ठीक है। फिर उसके आगे उससे वो कहते हैं कि अब अपन उससे पाजेब लेकर आते हैं। कमरे में ले जाकर मैंने फिर पूछताछ की, क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए थे ना? हाँ। और वे छुन्नू के पास है? हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना? नहीं, खर्च कर दिए। नहीं खर्च कर दिए? कहाँ खर्च कर दिए? खर्च किए कि नहीं खर्च किए? इस ओर से प्रश्न करने पर मैं मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ खर्च कर दिए कि अभी है? अब ये बात उसको पता ही नहीं थी कि उसने खर्च कर दिए या वो उसके पास है, अभी हैं। वो इस बात पर आपस में इसी तरीके से करते रहे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था, इसलिए उनके पास कोई उनका उत्तर भी नहीं था। वो बोलते रहे, जनाब मैं उसके एक बार हाँ कहा तो दूसरी बार नहीं कहा। मैंने कहा, तो यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम? हाँ बेटा मालूम है ना। हाँ। पतंग वाले से पैसे छुन्नू ने लिए थे क्या? हाँ। वो हाँ हाँ बढ़ता रहता है, तुमने क्यों नहीं लिए? फिर वो चुप हो गया। 5 इकन्नी थी या दुअन्नी, और पैसे भी थे क्या? वह चुप रहा। बतलाते क्यों नहीं हो? क्योंकि उसको ये कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो चुप रहा। इकन्नी कितनी थी बोलो? 2। बाकी पैसे थे? हाँ। दुअन्नी नहीं थी? हाँ। दुअन्नी थी? हाँ। मुझे क्रोध आने लगा, वो हर बात पे हाँ कभी ना करता है तो उसे क्रोध आने लगा। डपट कर कहा, सच क्यों नहीं बोलते हो? सच बताओ, कितनी इकन्नी थी और कितना क्या था? वह गुमसुम सा खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। फिर वो बूढ़ा पापा डांटते हैं कि बोलते क्यों नहीं हो? फिर भी वो नहीं बोला। सुनते हो? बोलो। नहीं बोला। आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? इस बार भी वह कुछ नहीं बोला। मैंने पकड़कर उसके कान खींच लिए, बिना आंसू लिए वह गुमसुम सा खड़ा रहा। यानी वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो खुद भी जो कुछ उससे पूछ रहे थे वो उसी में हाना कर रहा था। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे एकदम पीला हो गया, लेकिन बोल नहीं पाया। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इसे ले जाकर कोठड़ी में बंद कर दो। बंसी उसे उठाकर ले गया और कोठड़ी में मूंद दिया। 10 मिनट बाद मैंने फिर पास बुलाया, उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसने होंठ हिल रहे थे। कोठड़ी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अकल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम सा खड़ा रहा। अच्छा पतंग वाला कौन सा है? दाईं तरफ का, वह चुराए वाला? उसने कुछ होठों में ही बड़बड़ा दिया जिसे मैं सुन नहीं पाया। वह चौराहे वाला है क्या? बोलो। उसने कह दिया हाँ।
देखो अपने चाचा के साथ जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उसे स्वयं ही भुगत लेंगे, समझते हो। यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलाया, सब बात समझाकर कहा, देखो पांच आने के पैसे ले जाओ, पहले तुम दूर रहना, आशुतोष पैसे ले जाकर उसे दे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा, अव्वल तो वह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा, बच्चों से माल ठगता है, समझे, नरमी की जरूरत नहीं है। और आशुतोष अब जाओ अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह से खड़ा था, सुनकर भी टस से मस नहीं हुआ। जब उसके पापा ने कहा तो भी वो सुनकर टस से मस नहीं हुआ। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझा कर कहा कि भैया घर की चीज़ है, दाम लगे हैं, भला पांच आने में रुपयों का माल किसी के हाथ थोड़ी दे देंगे, जाओ चाचा के साथ जाओ, तुम्हें वही, तुम्हें कुछ नहीं करना, हाँ पैसे दे देना और अपनी चीज़ वापस मांग लेना, दे दे, नहीं दे तो फिर तुम्हारे चाचा, तुम्हारा इसमें कोई सरोकार नहीं है, यानी सच है न, मतलब जो करेगा वो चाचा कर लेगा, तुम्हें तो केवल एक बार पैसे देकर उससे मांगनी है, अगर वो दे देता है तो ठीक है, वरना तुम्हारे चाचा तुम्हारे साथ। पर वह जाने को तैयार नहीं दिखा। मुझे उस लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ, बोला, बोलो इसमें क्या बात है, इसमें मुश्किल कहाँ है, समझ जाकर बात कर रहे थे सो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मैंने कहा कि क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने फिर सिर हिला दिया, कहा कि नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश, अपने छोटे भाई को बुलाया, कहा प्रकाश इसे पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैरों से प्रतिकार करने लगा, मतलब वो उसके हाथ पैरों से अपने हाथ पैर छुटाने लगा, वो नहीं जाना चाहता था, तो इस पर उनको क्रोध भी आने लग गया, जाना नहीं चाहता था। मैंने अपने ऊपर बहुत सब्र करके फिर आशुतोष को पुचकारा, कहा कि जाओ भाई, डरा नहीं, अपनी चीज घर में आएगी, इतनी सी बात समझते नहीं हो, प्रकाश इसे गोदी में ले जाओ और जो चीज मांगे इसे बाजार से दिलवा देना, जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुंह फूला हुआ था, जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला, ऐसे चला मानो पैर उठाना भी उसके लिए भारी हो रहा है, 8-10 बरस का लड़का होने को आया फिर भी देखो न किसी की बात नहीं समझ रहा है। मुझे गुस्सा आया तो क्या बताऊं, लेकिन यह याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलेंगे नहीं बिगड़ेंगे, मैं अपने को दबाता चला गया। खैर वह गया तो मैंने चैन की सांस ली, उसको जब वो निकल गया तो मुझे लगा हाँ चला गया, तब उसने चैन की सांस ली, लेकिन देखता क्या हूँ कि कुछ देर में प्रकाश लौट आया। मैंने पूछा क्यों, बोला कि आशुतोष भाग गया। मैंने कहा कि अब कहाँ है, वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आ रहा है, जाओ पकड़ कर तो लाओ। वह पकड़ा हुआ आया, मैंने कहा क्यों रे शरारत, क्यों रे तू शरारत से बाज नहीं आएगा, बोल जाएगा कि नहीं जाएगा। उसके पिता उसको डांटने लगे, वह नहीं बोला तो मैंने कस कर उसे 2 चांटे जमा दिए, थप्पड़ लगते ही वह एकदम चीखा पर फौरन चुप हो गया, वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठड़ी में बंद कर दो, दुष्ट कहीं का। उसके पिताजी को गुस्सा आ गया तो उन्होंने उसको कोठड़ी में बंद करवा दिया। इस बार वह आधा एक घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था, मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास नहीं था। खैर मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वालों के पास जाओ, मालूम करना कि पाजेब किसने ली है, होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरब्बत की ज़रूरत नहीं है, यानी उनसे आराम से बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनसे तो हमें लेनी है। प्रकाश गया पर लौटने पर बताया कि किसी के पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्ला आया, कहा कि तुमने कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं हुई तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए, यानी वो अपने भाई पर चिल्लाने लगे कि तुमसे छोटा सा काम नहीं हुआ तो तुम क्या काम कर दोगे, तुम्हें एक इतना सा काम कहा था वो तुमसे नहीं हुआ। वह अपनी सफाई देने लगा, मैंने कहा बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था, वह मुंह डालकर चला गया। कोठड़ी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोते हुए पाया, उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं, कभी क्रोध भी आता है, कभी प्रेम भी आता है, कभी किसी के लिए घृणा भी उत्पन्न होती है, तो ये सारे हमारे हृदय के भाव ही हैं। तो अब उनको उस पर करुणा भी आ रही थी, लेकिन
वो कहा हुआ कर नहीं रहा था, इस बात पर वो बहुत खिंच भी रहे थे कि ये कहना नहीं कर रहा है। मैंने उसे जगाया, वह हड़बड़ा कर उठा। मैंने कहा, कहो क्या हालत है। थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं, फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिख गए। मैंने कहा, या तो राजी राज्य से चले जाओ, नहीं तो इस कोटरी में फिर बंद कर देंगे। आशुतोष पर इसका कोई विशेष प्रभाव पड़ा नहीं, ऐसा मालूम नहीं, यानी ऐसा लगा नहीं कि वो कुछ करने के लिए तैयार है क्या। खैर, उसे पकड़ कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा, बेटा इसे पतंग वाले को दे देना और पाजे मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं है, तुम तो समझदार लड़के हो। उसने कहा कि पाजेब उसके पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा, यही चीज़ वो पहले दुकान वाले के लिए बोल रहा था, अब उसने यही चीज़ फिर दोहरा दी। इसका क्या मतलब, तुमने कहा कि 5 आने में पाजेब दी थी, न छुन्नू को भी उसके साथ ले लेना, समझे। वह चुप हो गया, आखिर समझाने पर जाने को तैयार हो गया और मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुँह भारी देख कर डांटने वाला ही था कि इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी। वो उसको डांटने वाले थे, इतने में बुआ जी घर में आ गए। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ फेर कर पूछा, कहाँ जा रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा कि उसे मत रोको, जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था, वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा, क्या बात है। जब उसको ऐसा लगा कि उसको ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं तो बुआ ने पूछा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया। मैंने डांट कर कहा, प्रकाश इसे ले क्यों नहीं जा रहे हो। बुआ ने कहा कि बात क्या है। मैंने पुकारा, बंसी तू भी साथ जा, बीच से लौटने न आए। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को ज़बरदस्ती उठाकर मेरे सामने से ले गए। बुआ ने कहा, क्यों उसे सता क्यों रहे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की नहीं होती, मोहल्ले में भी राजनीति होती है, यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहा, क्या हुआ, क्या होना चाहिए, इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। भाई चारों तरफ बातें औरतों से फैल जाती है, एक औरत से दूसरी औरत तक, तो वही चीज़ें इनके साथ भी हो रही थी। इसी प्रकार की कुछ बातें हुई, फिर छोटा सबक सा सरका कर बोली, इसमें वे कागज़ हैं जो तुमने मांगे थे। और यहाँ इतना ही वो बोलते बोलते बीच में रुक गई। यह कहकर उन्होंने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर मेरे सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो। यानी वो उस पाजेब को देखकर एकदम से उनके झटका लगा कि जिस पाजेब के लिए इतना सारा बखेड़ा खड़ा हो रहा है, वो पाजेब सामने देखकर वो एकदम झटका लगा उनको, जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा कि ये क्या है। बोली कि ये उस रोज भूल से यह पाजेब मेरे साथ चली गई थी, वो पाजेब बुआ जी की बुआ जी के साथ ही चली गई थी। अब उनकी इस बात पर उसको झटका लगा, क्यों, क्योंकि इतनी पाजेब के लिए जो सारी हरकत हुई थी, सारा ये जो काम हुआ था, ये सारा पाजेब के लिए हुआ था। आशुतोष को इतनी डांट पड़ी थी, लेकिन वो पाजेब कहाँ निकली, बुआ जी के साथ ही चली गई थी। तो इसी बात से आशुतोष एकदम खिन्न भी था, जिस बात के कारण आशुतोष को इतना सताया गया, उसको डांटा गया, वो पाजेब किसके पास थी, बुआ जी के ही पास थी। तो ये सारी कहानी हमने पढ़ी, यहाँ बच्चों के मनोभावों को बताया गया है इसमें कि किस तरीके से बच्चे, जब हम बच्चों के साथ डांट डपड़ से काम करते हैं या उनको डराते हैं, तो वो निरपराध होते हुए भी उस अपराध को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो यहाँ हमें इस चैप्टर में ये बताया गया है कि अपराध के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। पिताजी ने भी उसके लिए बहुत यही भाव रखा था, लेकिन फिर भी उनकी बात पर उनको क्रोध आ ही जाता था। तो आप आज इस चैप्टर को पढ़ना, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए वो आप मेरे से पूछ लेना, आप इसको पढ़ लेना। कहानी है ये, कहानी हमें समझ में भी आ जाएगी आराम से। जैनेन्द्र किस प्रकार के खतरनाक के रूप में प्रचलित है, पाजेब कहानी किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, बाल मनोविज्ञान पर, आशुतोष को उसकी बुआ ने जन्मदिन पर क्या देने का वादा किया था, बाइसिकल, पाजेब कहानी किस शैली की है, आत्मकथात्मक शैली की, श्रीमती जी पाजेब चुराने का संदेह किस पर करती है, नौकर पर, छुन्नू की माँ छुन्नू को क्यों पीटती है, क्योंकि जब उस पर पाजेब चुराने का आरोप लगाया जाता है और पाजेब, जब आशुतोष उसके लिए हाँ भर देता है कि हाँ मैंने छुन्नू को दी, तो उसकी माँ उसको पीटने लग जाती है। मुन्नी को पाजेब किसने, बुआ जी ने, किस दिन, उसके जन्मदिन पर ला कर दी थी। पूछताछ में आशुतोष ने पाजेब किसको बेचने की बात कही, पहले उसने
दुकान वाले को, फिर पतंग वाले को बेचने की बात कही थी। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पूरा हो जाता है। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर करना है, इस चैप्टर को पहले पढ़ना, ठीक है।